पीएम मोदी को मिला एक और योगी। योगी आदित्यनाथ के बाद एक और योगी, यूपी के बाद राजस्थान में योगी। योगी का बढ़ता कद, देश का बढ़ता सम्मान। योगी का उत्तराधिकारी क्या योगी है? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। संन्यास की राह से सत्ता तक का सफर जिन जिन हस्तियों ने तय किया, उनकी जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही। देखा जाए तो भारत की पावन धरा सदैव ऋषि मुनि और संतों की तपस्थली रही है, और इन्हीं के जब तप की शक्तियों के बल पर समय समय पर आम जनमानस का उद्धार भी हुआ है। और आज देखिए, संन्यासियों के हाथों में ही हमारे देश की बागडोर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके लिए कहा यह जाता है कि सन्यासी से प्रधानमंत्री बनने तक का सफर उन्होंने अपने बलबूते तय किया। राजनीति ना ही उन्हें विरासत में मिली, और ना ही राजनीति में कदम रखने से पहले ना कोई उनका गॉड फादर मिला उन्हें। तो सालों तक हिमालय की पहाड़ियों पर उन्होंने डेरा डाला। बतौर सन्यासी स्वामी विवेकानंद के वेलूर मठ से जुड़े, अल्मोड़ा के अद्वैत आश्रम और राजकोट के रामकृष्ण मिशन में भी रहे। तो सत्य के खोज में पीएम मोदी सन्यासी का जीवन अपना चुके थे, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। सन्यासी का जीवन बिता चुके मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, और उन्हीं के नक्शे कदमों पर चल रहे यूपी के मुख्यमंत्री देश का भविष्य। यूपी पर भगवाधारी बाबा योगी आदित्यनाथ का राज है। नाथ संप्रदाय से आने वाले संत से सीएम बने भगवाधारी योगी आदित्यनाथ, देखिए आज के डेट में देश की पहली पसंद भी है। योगी में ही भविष्य का मोदी देखा जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोदी को अब एक और योगी मिल चुका है? यूपी के तर्ज पर अब राजस्थान में भी योगी का डंका बजेगा। यूपी के बाद अब राजस्थान में योगी होंगे। आपने ठीक समझा, बात हो रही है अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ योगी जी की। जी हां, जिन्हें हाल ही में आलाकमान द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या हिंदुत्व के नए नायक हैं बाबा बालकनाथ योगी? क्या योगी आदित्यनाथ के उत्तराधिकारी हैं बाबा बालकनाथ योगी? क्या राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री हैं बाबा बालकनाथ योगी? देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। योगी के सहारे भाजपा यूपी में तो अपना झंडा गाड़ चुकी है, लेकिन क्या एक नए योगी की बदौलत राजस्थान जीत पाएगी? आज ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि देखिए, हाल ही में बाबा बालकनाथ योगी को पार्टी की तरफ से प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, और यूपी के ही तर्ज पर हिंदुत्व और फायर ब्रांड छवि के बदौलत बीजेपी अब राजस्थान को जीतने के मूड में है। 2017 के चुनावी नतीजों के बाद देखिए, भगवाधारी योगी को पार्टी ने यूपी की कमान सौंपी, और जिसके परिणाम स्वरूप योगी अपने दम पर बहुमत के साथ प्रदेश में फिर से कमर खिलाने में कामयाब भी हुए। आज योगी देश के नंबर वन मुख्यमंत्री हैं, और इसी कड़ी में अब बाबा बालकनाथ योगी को भी देखा जा रहा है। अब यहाँ देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि दोनों योगी का आपस में एक खास कनेक्शन है, क्योंकि संत समाज से आने वाले ये दोनों सन्यासी नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं। आज अगर योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो बाबा बालकनाथ योगी उपाध्यक्ष हैं। कौन है हिंदुत्व का नया नायक बाबा बालकनाथ योगी? अलवर के बहरोड तहलीस में जन्मे बाबा बालकनाथ योगी 6 साल की उम्र में खुद से सन्यासी जीवन को स्वीकारा और घर बार छोड़कर आश्रम चले आए। महंत सोमनाथ से दीक्षा ली, और इसके बाद साधना की और मठ की सेवा करते हुए और नाथ संप्रदाय की परंपराओं को सीखते हुए गुरु के आदेश अनुसार कार्य किए, और देश भर में विभिन्न आश्रमों में सेवा का दायित्व निभाया। इस बीच मस्तनाथ मठ के महंत चांदनाथ योगी ने राजनीति में कदम रखा, बहरोड से विधायक बने, अलवर से सांसद भी। हालांकि लंबी बीमारी के चलते स्वर्गवास हो गया। महंत चांदनाथ योगी जी के ब्रह्मलीन होने से पहले ही वो बालकनाथ को अपना उत्तराधिकारी चुन चुके थे। 2017 में बालकनाथ ने मठ का दायित्व 8वें मठाधीश के रूप में संभाला, और जब 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा तो अलवर से कांग्रेसी भंवर जितेंद्र सिंह को हरा कर सांसद बने। आज महंत बालकनाथ को राजस्थान का योगी कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ की तरह बालकनाथ योगी की भी हिंदुवादी छवि है, हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर होकर बोलते हैं, तो वहीं गहलोत सरकार पर भी हमला करने से बिल्कुल नहीं चूकते हैं। हाल ही में देखे, गहलोत सरकार पर हमला करते हुए बालकनाथ योगी ने सरकार को मुगलिया सरकार बताई थी, मुख्यमंत्री आवास को फतवा हाउस बताया था, तो वहीं जनता से धोखा करने का भी आरोप लगाया था।
अब मोदी के बाद योगी और योगी के बाद क्या जनता बालकनाथ योगी की कैप्टेंसी स्वीकारेगी? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। गीता प्रेस अपने 100 वर्ष की एक शानदार यात्रा को लेकर के आगे बढ़ा है। इन 100 वर्षों में, विगत 75 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री गीता प्रेस में आज तक नहीं आ पाया। गीता प्रेस भारत की मूल आत्मा को झंकृत करता है, उसको जागृत करने का कार्य करता रहा है। गीता प्रेस अपने 100 वर्ष की एक शानदार यात्रा को लेकर के आगे बढ़ा है और शानदार यात्रा में इन 100 वर्षों में, विगत 75 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री गीता प्रेस में आज तक नहीं आ पाया, क्योंकि गीता प्रेस भारत की मूल आत्मा को झंकृत करता है, उसको जागृत करने का कार्य करता रहा है और उसे पहली बार भारत के किसी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सम्मान दिया गया है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि 2021 के गांधी पीस प्राइज के लिए भी गीता प्रेस के योगदान को सम्मानित करने का कार्य आपकी अध्यक्षता में गठित जूरी ने किया। यह न केवल गीता प्रेस का बल्कि भारत की उस हर धरोहर का सम्मान है जो हमारी पहचान है और जो भारत को एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है।